नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जो मोहन कैबिनेट से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर लग रही है। कल मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरह से संभव। दिल्ली में सीनियर लीडर से मुलाकात के बाद सीधे संकेत मिलते हुए कि कल मोहन के मंत्री स्पष्ट हो पाएंगे कि आखिर कौन कौन सा बड़ा नेता लिस्ट में। बिल्कुल, आपको बता दें कि लीडर से मुलाकात के बाद संकेत मिले हैं। राजभवन को सूचना मिलने का इंतजार है। बस 15 से 18 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। सांसद से विधायक बने दिग्गज मंत्री बन सकते हैं और तो और पहली बार के विधायकों को भी देखा जा रहा है कि बीजेपी मौका देते आई है, लेकिन यहां मध्य प्रदेश में इसकी संभावना कम लग रही है कि पहली बार के विधायकों को मौका नहीं मिलेगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। लगातार इस खबर पर नजरें न्यूज 18 भी बनाए हुए था। लगातार आप देख रहे थे कि मंथन का दौर ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दिल्ली में भी चल रहा था। और आपको ये भी बताएं कि मुख्यमंत्री जैसे ही दिल्ली पहुंचे, सबसे पहले सांसदों के साथ डिनर करते हैं और उसके बाद आज का जो क्रम रहा, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात मुख्यमंत्री की हुई है, उसके बाद अमित शाह से भी मुलाकात करने पहुंचे। जब सिलसिलेवार इन तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हो रही हो, तब आप ये संकेत सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि कैबिनेट विस्तार से पहले की आखिरी मुलाकात है। हो सकता है कि कल कैबिनेट का विस्तार हो, नामों का ऐलान हो जाए, राजभवन तक सूचना पहुंच जाए कि कब और कौन कौन से चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ग्राफिक से जरिए कुछ संभावनाएं आपके सामने रख रहे हैं। ये तमाम बड़े चेहरे प्रदेश में जो कि लगातार कार्यरत रहे, मंत्री के तौर पर पहचाने जा सकते हैं। तमाम दिग्गजों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। बिल्कुल, और देखिए आपको वो बड़े चेहरे भी दिखा रहे हैं। हालांकि संभावनाएं जिनकी सबसे ज्यादा हैं वो केंद्र मंत्रियों की, जो पूर्व में रहे और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में उन्होंने बम्पर जीत हासिल की। बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे हम आपको दिखा भी रहे थे। संभावित चेहरों में प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय के नाम भी आ रहे थे सामने। इसके अलावा गोपाल भार्गव का भी नाम सामने आ रहा है संभावित चेहरों में। तो ये चेहरे एग्जैक्ट लिस्ट में क्या वाकई नजर आएंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि पहली बार के विधायकों को मौका शायद नहीं मिलेगा और तो और राजभवन को भी सूचना देने की तैयारी की जा रही है। बहुत जल्द राजभवन को सूचना दे दी जाएगी। लगभग 15 से 18 मंत्रियों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह होगा और वो भी दिव्य और भव्य होगा। तो इस बार 15 से 18 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है, लेकिन वो 15 से 18 मंत्री कौन होंगे, किस संभाग से ज्यादा होंगे, किन चेहरों को मौका दिया जाएगा मंत्रिमंडल में आने का, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुलाकातों का दौर हमने देखा बीते दिन से, मोहन यादव मिलजुल रहे थे, बातचीत कर रहे थे सांसदों से भी, उन्होंने बातचीत की थी, डिनर उन्होंने साथ में ही किया था। उसके बाद सुबह से ही मंथन और चिंतन, जेपी नड्डा के साथ, अमित शाह के साथ वो मिले, बातचीत वो कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोहन यादव मिले और काफी सकारात्मक मिलन उनका रहा, बहुत ही पॉजिटिव मिलन, पॉजिटिव मुलाकात। और अब इंतजार है लिस्ट का कि कब मंत्रिमंडल के लिस्ट का ऐलान किया जाएगा, कौन होगा मंत्री। तमाम खबरें जो इसी ओर इशारा करेंगे कि जल्द ही कैबिनेट का ऐलान हो सकता है विस्तारित तौर पर। 15 से 18 मंत्री होंगे, क्योंकि जब मध्य प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं तो संख्या बहुत ज्यादा होती है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी जब आप मंत्रिमंडल देख रहे थे तो 9 विधायकों को चुना गया जो मंत्री रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में दायरा बढ़ जाता है। 15 से 18 मंत्री शपथ लेने की संभावना, जिनकी राजभवन तक सबसे पहले सूचना पहुंचेगी, उसके बाद औपचारिक तौर पर ऐलान हो सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से किया जाए, क्योंकि अलग अलग नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। बड़ी बात यह भी कि कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर पहले वो मिलते आए हैं प्रधानमंत्री से, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनका मिलना प्रधानमंत्री से, जब खास जिम्मेदारी आपके पास हो तब दायित्व बढ़ जाते हैं, कर्तव्य बढ़ जाते हैं, और वरिष्ठ नेताओं से जब मुलाकात हो रही हो तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय को लेकर भी हो सकता है कि निर्देश उन्हें कई सारे मिले हों। सहयोगी विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनीत, क्या कुछ खबरें चल रही हैं, अभी भी मुलाकातों का सिलसिला क्या जारी है दिल्ली में?
जी निश्चित तौर पर यहाँ पर जो सीएम है उनकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल अभी जो वो है वो मध्य प्रदेश भवन में यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर उनसे जो है कई प्रदेश के नेता हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। तो साफ तौर पर भी अगर हम देखें जिस तरह से सुबह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले मुलाकात हुई, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद वो सीधे यहाँ पर मध्य प्रदेश भवन पहुंचे हैं और यहाँ पर जो स्थानीय स्तर के नेता है, जो मध्य प्रदेश नेता है, प्रदेश के नेता है, वो लगातार उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो साफ तौर पर पूरी तरह से गहमागहमी जो है वो मध्य प्रदेश में सरकार को लेकर के है, संगठन में सरकार के विस्तार को लेकर के है और सभी जो लोग हैं वो अपनी पूरी तरह से कोशिश जो है वो किए हुए हैं कि आखिरकार उन्हें जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो उसमें उन्हें स्थान मिल जाए। तो पूरी कोशिश जो है, पूरी कवायद जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात हुई, अब जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो भविष्य की रूपरेखा है उसको लेकर के चर्चा हुई। ठीक है विनीत, वापस से आपके पास आएंगे। शैलेंद्र भदौरिया साथ जुड़ गए सहयोगी। शैलेंद्र, क्या राजभवन को सूचना मिल गई है कि इंतजाम कर लिया जाए, शपथ ग्रहण होगा? देखिए अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन जो है वो हो सकता है। जिस तरीके से देखिए कई दौर की पहले भी मुलाकात हो चुकी है और पहले सबसे पहले सूची भेजी गई थी कुछ नामों को लेकर कि इन नामों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर कई दौर की मुलाकात भी हुई, बात भी हुई और जिस तरीके से अब कल डॉक्टर मोहन यादव और जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा तीनों लोग वहां पहुंचे थे, कल देर रात में जो है वो सांसदों के साथ मुलाकात हुई और आज गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है। तो ये माना जा रहा है कि जो अब अंतिम मोहर जो है उन नामों पर लगभग लग चुकी है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल गठन की तारीख का ऐलान हो चुका है और यही कारण है कि अब ये माना जा रहा है कि कल या परसों में मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। आखिर मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे इसको लेकर अभी थोड़ा सा संशय बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 15 से 18 लोग जो है वो प्रथम चरण में मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। कौन कौन से वो प्रमुख चेहरे होंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने खासकर अगर इस विधानसभा चुनाव में की बात करें तो बेहद चौंकाने वाले फैसले लिए। जिस तरीके से आचार संहिता लगने के पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई और उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर इस तरह के एक का नाम आना, डॉक्टर मोहन यादव जो रेस में नहीं माने जा रहे थे लेकिन अचानक से उनका नाम सामने आया और जिस तरीके से कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया और चुनाव लड़ाने के बाद उनका इस्तीफा करा दिया गया। हर स्तर पर पार्टी ने चौंकाने वाले नाम सामने रखे हैं। शैलेंद्र, लौटूंगी मैं आपके पास, विनीत भी लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत, ये जो खबर मिल रही है वो मुझे लगता है कि निराशा लेकर आए कुछ नए विधायकों को भी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि कई सारे ऐसे विधायक हो सकते हैं जो पहली बार बने हो लेकिन कैबिनेट में आ सकते हैं, पर अब ये जानकारी कि शायद उन्हें मौका नहीं मिलने वाला है। वो भी ये उम्मीद है क्योंकि अगर हम देखें कि अगर उनको जब हमारे लोगों से बात हो रही है और इवन बीजेपी के जो बड़े शीर्ष नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि परफॉर्मेंस जो है वो काफी मायने रखेगा, साथ ही साथ नई पीढ़ी की बीजेपी जो है उसे गढ़ना है। क्योंकि अगर हम पहली बार विधायक के तौर पर देखें तो हरियाणा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो पहली बार विधायक बने थे और उन्हीं जो है उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया गया। इसके साथ साथ अगर हम हरियाणा के भी पूर्व मुख्यमंत्री आपको एक बार फुल स्क्रीन तस्वीर हम दिखा देते हैं को, डॉक्टर मोहन यादव ने जो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की किस प्रकार की ये तस्वीर थी, ये जो सिलसिला चला है हो सकता है कि ना सिर्फ अनौपचारिक बातें हुई हों, जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खबरें चलती आ रही हैं, जो विनीत हमें जानकारी भी दे रहे हैं कि बातचीत अगर वरिष्ठ नेताओं से डॉक्टर मोहन यादव की हुई है तो महज अनौपचारिक नहीं रही होगी। औपचारिक तौर पर प्रदेश में क्या हलचल चल रही है, आगे क्या होने वाला है, हो सकता है उनकी राय भी जानने का प्रयास चल रहा हो। सबसे पहले आपको ये बताएं कि डॉक्टर मोहन यादव इससे पहले कैबिनेट मंत्री के तौर पर मिलते आए हैं प्रधानमंत्री से, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, इतना बड़ा दायित्व संभालने के बाद ये पहली मुलाकात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तमाम ऐसे संकल्प लिए जो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से आते हैं, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने की बात डॉक्टर मोहन यादव ने की थी। विनीत, अब आप बात पूरी करें।
जी निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरह से जो कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से नए लोगों को मौका दिया जा रहा है उनका कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में भी देखें तो पहली बार जो विधायक बने थे उन्हें भी मौका मिला है, तो यही उत्साह जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह है। यहाँ पर भी जो मध्य प्रदेश में भी जो कई जो पहली बार विधायक बने हैं या फिर दूसरी बार विधायक बने हैं ऐसे कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। लेकिन एक बात हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अगर मध्य छत्तीसगढ़ में देखें, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल को मौका दिया गया, केदार कश्यप को मौका दिया गया, इसके साथ ही साथ है अगर हम देखें रामविचार नेताम को मौका दिया, तो ये पुराने भी मंत्री थे, ये रमन सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे थे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कोशिश यह होगी कि जो शिवराज सिंह चौहान के भी कुछ मंत्री हैं, जैसा कि हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो जब यहाँ पर आए थे जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी, तब उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी चर्चा की थी और मीडिया से भी बात करते के दौरान इस बात को रखा था कि उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा की है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की भी कोशिश होगी कि उनके जो लोग कोशिश होगी कि अपने खेमे के नेता को भी मंत्री के लिए वो आगे बढ़े बनाने के लिए उन्होंने बात की ही होगी, तमाम चीजें हैं। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास, मोहन यादव के हाथ में हम वो पेपर देख पा रहे हैं, उस पेपर से मैं जो समझ पा रही हूँ, मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री को ये बता रहे होंगे कि इस लिस्ट में किन लोगों के नाम शामिल है। इसमें वो लिस्ट होगा मंत्रिमंडल का मंत्री का जो हम देख पा रहे हैं कि वो चर्चा भी कर रहे होंगे कि इन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए सोचा गया है या फिर ये नाम फाइनल है, वो ये लिस्ट भी हो सकती है जो उनके हाथ में है। तो अपने आप में बेहद खास ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मोहन यादव की हो जाती है दो मायने से, दो लिहाज से। पहली चीज तो ये कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए यहां पर आए हैं और देखिए काफी पॉजिटिव वाइब्स हम कह सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ और हंसते हुए बैठकर बातचीत करते हुए दोनों ही नेता नजर आ रहे हैं। बीच में गुलदस्ता रखा हुआ है जो कि अपने आप में काफी खुशनुमा माहौल का संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज, दूसरा लिहाज अगर हम देखें तो हाथ में मोहन यादव के वो लिस्ट हो सकती है, जो संभावना है कि वो लिस्ट हो सकती है जिसके बारे में जानकारी वो प्रधानमंत्री को दे रहे हैं या फिर उनसे डिस्कस कर रहे हैं, दो चीजें हैं। और दोनों ही लिहाज से ये तस्वीर बहुत ज्यादा खास हो जाती है। मोहन कैबिनेट पर आज क्या मुहर लग जाएगी, ये सवाल। अब एक और तस्वीर आप देखिए, अमित शाह से मुलाकात की, अमित शाह से भी मिले डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के, और ये मुलाकात कई मायने में खास जो दिखाती है कि पसंद है मोहन यादव, आलाकमान के पसंद है। और अमित शाह से भी मिले, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिले थे तो बाकायदा ट्वीट किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और कहा था कि बहुत अच्छी मुलाकात रही, शिष्टाचार हमने भेंट की। शैलेंद्र भदौरिया लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कहा यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल नहीं गठित किया जाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ से बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल, जिसमें कि पहले बार के विधायकों को मौका शायद नहीं दिया जाए। देखिए बिल्कुल, भले ही पहली बार के विधायकों को मौका ना दिया जाए, लेकिन जो जानकार है, जो सूत्र है, वो ये बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल में बहुत सारे चेहरे नए होंगे। नए इसलिए, देखिए अगर मैं बात करूं 2003 से जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता काबिज हुई तब से लेकर लगातार मंत्रिमंडल में अक्सर वही चेहरे रिपीट होते रहे, मंत्रालय उनके बदलते रहे, नए विधायकों को मौका कम मिलता रहा है। देखिए चार बार सरकार में रह चुकी है बीजेपी, ये पांचवी बार सरकार में है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री को बदला गया है, इससे पूरे तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि जो विधायक लंबे समय से चुनाव तो जीतते आ रहे हैं लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा पा रहे थे, तो ऐसे विधायकों को अब मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। देखिए बहुत आवश्यक है बीजेपी के लिए भी कि पूरी एक पीढ़ी का बदलाव करना। देखिए 20 साल से लगातार वही लोग मंत्रिमंडल में थे और मुख्यमंत्री के तौर पर भी लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान का चेहरा था, तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया तो इस तरह के कयास लगाए जाने लगे कि बहुत सारे विधायक जो लंबे समय से जीत तो रहे हैं, कोई दो बार से जीत रहा है, कोई तीन बार से, और कई लोग तो ऐसे जो चार चार बार से जीते हुए लेकिन उनको मंत्रिमंडल में अब तक जगह नहीं मिल पाई है, तो ऐसे लोग जो संगठन की समझ रखते हैं, जो सरकार की समझ रखते हैं, लंबे समय से विधानसभा में वो बैठ रहे हैं लेकिन उनको मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिला था, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है, चाहे वह शैलेंद्र जैन हो, प्रदीप लारिया हो, केदार, माफ कीजिएगा, चेतन कश्यप हो,
अजय बिश्नोई हो या जो महेंद्र हार्डिया है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मालिनी गौड़ है, इस नीना वर्मा है और उसी में एक नाम रमेश मेंदोला का भी आता है जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज करके आए, तो ये सारे वो नाम है जो लंबे समय से विधायक तो बन रहे हैं लेकिन मंत्रिमंडल तौर पर हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और खासतौर पर तब जब आप इतने वरिष्ठ नेताओं को एक साथ मिलकर देखते हैं तस्वीरों में, प्रधानमंत्री आपको नजर आते हैं, मुख्यमंत्री नजर आते हैं, राजेंद्र शुक्ला बैठे हुए हैं, जगदीश देवड़ा हैं, ये तमाम अनुभवी चेहरे हैं और लगता है कि बहुत अच्छे से समझते हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में होने क्या वाला है। आप विनीत लगातार जुड़े हुए, विनीत, परिवर्तन संसार का नियम कहा जाता है और उस नियम को उतारने में इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन आपने देखा, राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में कैबिनेट में परिवर्तन कितनी अंदर तक जाता है ये देखने वाला विषय अब होगा। विनीत चाहूंगा कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो वो परिवर्तन किया जाएगा। अब साफ तौर पर हमारे जब बीजेपी के नेताओं से बात हुई, केंद्रीय नेताओं से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि भविष्य को देख में करके वे जो है वो परिवर्तन किया जाएगा। भविष्य में जिस तरह से वे लीडर्स जो है वो तैयार करने हैं, भविष्य में जिस तरह से वे जो योजनाएं हैं पीएम नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उन्हें में ध्यान में रखते हुए जो लीडर है या लीडरशिप है उसे तैयार किया जाएगा और सभी व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है वो तय की जाएगी। यही कारण है कि हम देखें कि चलिए विनीत बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो इंतजार है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कब वो नाम फाइनल होंगे, लेकिन ये मुलाकात क्योंकि जो हो चुकी है, कहा जा रहा है कि आज संभव है कि मंत्रियों के नामों का ऐलान कर दिया जाए। आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे भोपाल की। भोपाल के न्यू मार्केट स्थित रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। संसद में सांसदों को निलंबित करने के खिलाफ देशव्यापी धरना प्रदर्शन कांग्रेस के स्तर पर आप देखते हैं। रोशनपुरा चौराहे पर भी इसके कुछ दृश्य सामने आए। ड्यूटी पर तैनात कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी घटनाक्रम को लेकर बहुत अच्छे से जनता तक पहुंचने का प्रयास हो सके, क्योंकि आप देख रहे हैं जो सिलसिला दिल्ली में संसदीय कार्यवाही और उस दौरान कार्यवाही के बीच जैसे ही कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है तो निलंबित कर दिया जाता है। उसी बात का विरोध अलग अलग स्तर पर पूरे देश में जताने की कोशिश, ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं रोशनपुरा चौराहा, जहां से जनता तक पहुंचने का प्रयास करते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज। बिल्कुल, तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं धरना प्रदर्शन कांग्रेस का। सांसदों के निलंबन के मामले में लगातार विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और अब यहाँ धरना प्रदर्शन, सांसदों को निलंबन के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हो रहा है सांसदों के निलंबन के खिलाफ। अब देखिए कई सारे यहाँ पर नेता भी आपको दिखाई देंगे जो कि शुरू हो चुका है धरना प्रदर्शन, और यहाँ पर बाकायदा लिखा भी गया है केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में लोकतंत्र बचाओ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लोकतंत्र बचाओ धरना प्रदर्शन। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, एक बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करते हुए भोपाल में कितना सफल हो रही है अपने मोर्चे पर? प्रशांत आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए तस्वीरें पहुंचाइएगा और बताइएगा किस प्रकार का धरना प्रदर्शन यहाँ। जी, देशव्यापी धरना प्रदर्शन है और सभी शहर मुख्यालयों से लेकर जिला मुख्यालयों, जिला प्रदेश इकाई से लेकर ब्लॉक स्तर तक ये धरना प्रदर्शन किया गया है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू आप जरूर समझें, जब पूरा मसला, जब ये मसला सामने आया, अब संसद में जब 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उसके बाद एक और नया मसला सामने आया था, वो था मिमिक्री वाला। मिमिक्री मामले को लेकर बीजेपी जब आगे निकल गई, हमलावर हो गई, उसके बाद कांग्रेस जरूर देर से जागी, लेकिन अब जरूर वहां पर तमाम जो कांग्रेस के नेता है मौजूद है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीर जरूर दिखाइए एक बार। खुले मन से चुनौती देती हूँ कि ये जी बिल्कुल बिल्कुल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, चाहे महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल वो यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी दूसरे नेता। ठीक है, बड़े स्तर पर धरने की कोशिश आप नजरें बनाए रखिएगा प्रशांत, किस प्रकार की हलचल चलती है देखने वाली बात, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पहली बार धरना दिया जा रहा है इस चुनाव के बाद। चलिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र, अनूपपुर में अमरकंटक पर पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान, आगमन पर भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हो गए और वही दृश्य जो मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय से अब आप देख रहे हैं, लाडली बहनों ने जोरदार स्वागत किया है।
कई लाडली बहनें फफक फफक कर रोने लगी। आपको ये भी बताएं कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतने के बाद पहली बार नर्मदा धर्मनगरी अमरकंटक में मां नर्मदा के दर्शन के लिए पहुंचे, आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे और उस दौरान एक बार फिर से वही दृश्य, मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती थी बहनें लेकिन नहीं बने। उसके बाद तमाम भाव प्रकट करती हुई शिवराज सिंह चौहान के समक्ष। तो शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं जो यहां पर पहुंचे और लाडली बहनें जो रोने लगी, भावुक हो गईं और लिपट गईं अपने भैया से, देखना चाहती थी मुख्यमंत्री के तौर पर। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ये बार बार कहते आए हैं कि हमेशा के लिए मैं वही हूं मध्य प्रदेश के लिए जो मैं पहले था। बैतूल में भीषण आग लग गई है, वो भी भूसे के गोदाम में भीषण आग लगी है। 50 ट्रक भूसा जलने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने का कारण क्या रहा है अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन ये तस्वीरें देखिए निश्चित तौर पर स्थिति को बयां करने के लिए काफी। बैतूल, सारनी, आमला से भी फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुटी हुई। मुलताई थाना क्षेत्र के अमरावती मार्ग की घटना, देर रात आग धधकी और उसके बाद सुबह तक उसका काबू पाने के लिए प्रयास चलता रहा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 50 ट्रक भूसा जलने की आशंका फिलहाल जाहिर की जा रही है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है और धीरे धीरे कर आग पर काबू पाने का प्रयास तेज करना पड़ा चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में भूसा यहां पर रखा हुआ था। शेड्यूल का जिक्र करेंगे जहां पर एक मासूम की जान जा चुकी है। दगना के बाद 3 महीने की बच्ची ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ये महज 3 महीने की बच्ची जिसने दम तोड़ दिया है, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची के पेट में दागने के दर्जनों निशान भी है। दागने के बाद भी मासूम को झटके आ रहे थे, अस्पताल प्रबंधन ने मौत का कारण निमोनिया बताया। जिला अस्पताल शहडोल के PICU वार्ड की ये पूरी घटना है। छतरपुर में सर्राफा व्यापारी के साथ लूट हुई है और हमले का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। तो वीडियो में डंडों से नकाबपोश बदमाशों के हमले में सर्राफा व्यापारी घायल होकर जमीन पर गिरते नजर आते हैं। वारदात 19 दिसंबर की, सर्राफा व्यापारी अपनी दुकान से घर जा रहे थे और बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी पर हमला किया, 15 लाख के सोने चांदी के गहनों की लूट की थी। तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी फुटेज जिनके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18।